अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। रोहित शर्मा के हाथों में टीम के कमान, बुमराह सिराज को मिला आराम। तो दोस्तों, क्या है अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए घोषित हुआ टीम इंडिया का पूरा स्क्वाड? इस टीम में किस खिलाड़ी को मिली है जगह, किसको किया गया है बाहर, बताएंगे आपको इस वीडियो में अफगानिस्तान के खिलाफ घोषित हुआ पूरा स्क्वाड। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान और खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ 11 जनवरी शुरू हो रही 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में सौंपी गई है। वहीं लंबे समय बाद विराट कोहली की T20 टीम में एंट्री हुई है। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को भी टीम में जगह दी गई है। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में जगह नहीं दी गई है। साउथ अफ्रीका की धरती पर अपनी गेंदबाजी से जमकर धमाल मचाने वाले जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की जोड़ी को T20 सीरीज के लिए आराम दिया गया है। तेज गेंदबाजी की अगुवाई अर्शदीप सिंह करते हुए नजर आएंगे। वहीं उनका साथ आवेश खान और मुकेश कुमार देंगे। रविंद्र जडेजा को भी इस सीरीज के लिए रेस्ट कराया गया है। ऑलराउंडर के तौर पर टीम में अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को जगह मिली है। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी रवि बिश्नोई के कंधों पर सौंपी गई है। T20 सीरीज के लिए चुनी गई टीम में शिवम दुबे भी अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं। शिवम के साथ साथ बल्लेबाजी क्रम में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा को भी शामिल किया गया है। संजू सैमसन भी अफगानिस्तान के खिलाफ बल्ले से रंग जमाते हुए दिखाई देंगे। यशस्वी जायसवाल को भी टीम में मौका मिला है। ऐसे में आइए दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए घोषित हुआ टीम इंडिया का पूरा स्क्वाड आपको बताते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। जिसमें कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, आवेश खान और मुकेश कुमार इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, आप भी इस जानकारी के संबंध में अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।